ये दुर्भाग्य की बात है कि तहसील मुख्यालय पठारी में एक भी सार्वजनिक खेल का मैदान नहीं है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के खेलों के खिलाड़ी यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर हैं। विगत दिवस कलेक्टर उमाशंकर भार्गव पठारी दौरे पर आए थे, तब इस खेल मैदान की शिकायत उनसे की गई थी। लगभग 3 वर्ष पूर्व पठारी में लगभग 80 लाख रुपए की लागत खेल मैदान निर्माण हेतु आई थी, परंतु पर्याप्त सरकारी जमीन के अभाव में कई महीनों तक मामला लटका रहा। लेकिन बाद में राजस्व विभाग ने 2 ग्राम की शासकीय जगह मिलाकर लगभग 3 हेक्टेयर जमीन खेल मैदान के लिए उपलब्ध कराई थी और वहां पर खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु जो राशि खेल मैदान के लिए उपलब्ध कराई गई थी वह राशि गलत जगह के चयन के कारण कम पड़ गई, क्योंकि जिस स्थान पर खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था वह पहाड़ के किनारे उबड़ खाबड़ और पथरीली जगह होने के कारण खेल मैदान की लागत बढ़ गई और कार्य रोक दिया गया। विभागीय जांच हुई जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सब इंजीनियर SDO एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को स्थान के चयन में चूक का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया था, जो आज भी सस्पेंड है और खेल का मैदान ज्यों का त्यों अधूरा ही पड़ा हुआ है। विदिशा पठारी से आशीष सहेल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।